नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, पत्नी और बच्चे ही नहीं बल्कि बूढ़े माँ बाप भी है बेटे की कमाई के हकदार, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, गुजारा भत्ते के एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की कमाई पर सिर्फ उसकी पत्नी या बच्चों का हक नहीं होता, बल्कि बुजुर्ग माता पिता भी उसकी आय के हिस्सेदार होते हैं। इस तरह अदालत ने साफ साफ किया कि पत्नी व बेटे के बराबर ही किसी भी व्यक्ति पर उसके माता पिता का अधिकार होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब स्कूलों में 25 लाख रसोइयों की सुध लेगी सरकार, दोगुना होगा मानदेय भत्ता। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ स्कूल की ही रसोई नहीं गमकेगी बल्कि स्कूली बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर गर्मा गर्म खाना तैयार करने वाले रसोइयों के घर की रसोई भी महकेगी। केंद्र सरकार इस सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाले देश भर के 25 लाख से ज्यादा रसोइयों के मानदेय में फिलहाल बढ़ोतरी करने की तैयारी में है, जो कम से कम दोगुनी की जा सकती है। हालांकि इसे 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे दोगुना करने की तैयारी है। इस योजना पर अमल हुआ तो उन्हें हर माह न्यूनतम 2000 रुपए का मानदेय मिलेगा। वर्तमान में स्कूलों में खाना बनाने वाले इन रसोइयों को मौजूदा समय में सिर्फ 1000 रुपए ही मानदेय दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बच्चों का मानसिक विकास रोकता है जन्म के समय हुआ पीलिया, भोपाल में हुए अध्ययन में खुलासा। जी हाँ दोस्तों, नवजातों में होने वाले पीलिया को आमतौर पर सामान्य माना जाता है। नवजात को पीलिया यानी 23 से ज्यादा इनडायरेक्ट बिलुरुबिन के अलावा दूसरी बीमारियां नहीं है और वे प्री मैच्योर नहीं है तो चिंता की कोई खास बात नहीं रहती। डॉक्टर भी ये मानते हैं कि 15 से 20% तक पीलिया में इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती, वे हफ्ते भर में ठीक हो जाते हैं। सिर्फ फोटोथेरेपी या धूप दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन गांधी मेडिकल कॉलेज यानी GMC भोपाल में हुए अध्ययन में सामने आया है कि 15 से 20% तक पीलिया मानसिक विकास को प्रभावित जरूर करता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब देश के बाहर भी मिलेगा हेल्थ स्कीम का फायदा, जानिए क्या है योजना। जी हाँ दोस्तों, देश में काम करने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब इन्हें और इनके परिवार को देश के भी बाहर बड़ा फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज की सुविधा होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव संदीप कुमार की ओर से चेन्नई के टीके दामोदरन को दिए गए जवाब में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज का लाभ लिया जा सकता है, जबकि पेंशन भोगियों को इसका फायदा नहीं मिल सकता। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। PLI स्कीम का दायरा और बढ़ेगा, PM मोदी ने कहा अगले 5 साल में इसमें $520 अरब का उत्पादन होगा। जी हाँ दोस्तों, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लाई गई PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का दायरा और बढ़ाया जाएगा। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल 13 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की जा चुकी है। ये स्कीमें कोरोना संक्रमण के बाद लॉन्च की गई है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिटों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में PLI स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़कर $520 अरब का हो सकता है। शुक्रवार को एक वेबिनार में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि उद्योगों को इस तरह की स्कीमों में निवेश के लिए काफी प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इसी महीने भारत आएंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन, राजनाथ के साथ होगी द्विपक्षीय रक्षा मुद्दों पर अहम वार्ता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद जो बाइडेन प्रशासन के तकरीबन सभी वरिष्ठ मंत्रियों का अपने भारतीय समकक्षों से टेलीफोन पर संपर्क हो चुका है, लेकिन अब व्यक्तिगत तौर पर दौरों की शुरुआत होने के संकेत है। इसी क्रम में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इसी महीने भारत की यात्रा पर आएंगे। दरअसल ऑस्टिन हिंद प्रशांत क्षेत्र के सभी सहयोगी देशों के दौरों पर निकलने वाले हैं, इसके तहत वे भारत भी आएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
करवट ले सकता है मौसम। मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों में जारी किया गया बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है तो वहीं कई प्रदेशों में अभी भी ठंड जारी है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों में बारिश बर्फबारी की चेतावनी दी है। दिल्ली में आज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से 6 से 8 मार्च तक देश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसी कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना से बचने के लिए केंद्र का राज्यों को फिर से निर्देश, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की अपनाई नीति। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में तेजी को देखते हुए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट यानी कि जांच, निगरानी और इलाज की रणनीति पर वापस लौटे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य यानी कि डॉक्टर वीके पॉल ने हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक में ये बात कही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शिवराज सरकार का फैसला, मध्य प्रदेश में प्रवेश के लिए महाराष्ट्र के लोगों के लिए अनिवार्य किया कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में बताया गया है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी बस ऑपरेटरों की होगी। रिपोर्टों के आधार पर ही यात्रियों को बस में प्रवेश मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पुरुषों की बेवफाई की तुलना में महिलाएं आगे, जानिए सर्वे में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बेवफाई भारत में हमेशा कानूनी और मोरल विषय रहा है, लेकिन नियम अक्सर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रहे हैं। कुछ समय पहले तक भारत में पुरुष अपनी पत्नियों के दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखने के लिए पुरुष और महिलाओं पर मुकदमा चला सकते थे। एडल्ट्री कानून के खत्म होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता। एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत में अधिक महिलाएं शादी के बाद ही बाहर रिलेशन रख रही है और उनमें से अधिकांश माए हैं। फ्रांसीसी एक्स्ट्रा मेरिटल डेटिंग ऐप ग्लिडेन द्वारा एक सर्वे शुरू किया गया था। ये ऐप एक महिला द्वारा महिलाओं के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी शादी से खुश नहीं है और बाहर खुशी, प्यार, फ्रेंडशिप आदि की तलाश कर रहे हैं। इस ऐप के वर्तमान में भारत में 13 लाख से ज्यादा यूजर्स है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राम मंदिर के लिए भक्तों ने किया जमकर दान, 10 करोड़ परिवारों ने दिए 2500 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर के लिए निधि समर्पण का समापन विगत 27 फरवरी को हो चुका है। निधि समर्पण अभियान में देश के 10 करोड़ परिवारों ने राम मंदिर के लिए अपना सहयोग दिया। अब तक 2500 करोड़ की राशि एकत्र हो चुकी है। निधि समर्पण के लिए संघ वे विहिप के 9 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर संपर्क किया है। उक्त जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अब दिल्ली के अंदर होगा अपना शिक्षा बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कैबिनेट बैठक के बाद डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा, इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना होगी और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्थाओं में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन को ये बोर्ड नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकारी दफ्तरों में सांसद और विधायकों के आते ही खड़े होंगे सरकारी अफसर, गाइडलाइन जारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अफसरों के रवैये से परेशान नेताजी को अब कुछ सहूलियतें मिलने वाली हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अफसरों को साफ शब्दों में निर्देश दिया गया है कि वे सांसदों और विधायकों के साथ ठीक से व्यवहार करें। सरकारी दफ्तर में सांसद और विधायक के आते ही अफसरों को उनके सम्मान में खड़ा होना होगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।